ये तुमने बहुत अकलमंदी का काम किया है सबा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अनस से मिलवा कब रही हो? भाई मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को समझ लें, ताकि रिश्ता मजबूत हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अनस से पूछ के जल्दी से जवाब दो। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किससे बातें कर रही है? बड़ी खुश लग रही है। अनस तुमसे मिलना चाहता है। अनस कौन? सबा का बेटा। इतनी जल्दी भूल गई? आपने ही तो सिखाया है कि जो जिंदगी में अहम ना हो उसे भूल जाओ। तुम्हें पता है अनस को तुम बहुत अच्छी लगी हो। सबा बता रही थी कि जब से वो तुमसे मिलकर गया है ना, सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रहा है। अच्छा, हैरत की बात है। जब मुझसे मिला था तो मुझसे तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे लगे कि वो जाके मेरा जिक्र भी करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि सबा मुझसे झूठ बोल रही है? मैंने ऐसे कब कहा भी? बस कुछ बातें होती हैं जिन पे यकीन करना जरा मुश्किल होता है। हो सकता है ये उनमें से ही एक बात हो। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचते। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि कोई एक ही नजर में पसंद कर ले। और जहां तक रही बात अनस की, तो वो थोड़ा शर्मीला है, इसलिए उसने तुमसे ज्यादा बातें नहीं की। अच्छा हाँ, सबा बता रही थी कि वो शुरू से ही ऐसा है, बातें कम करता है। लेकिन लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब वो तुमसे मिलेगा ना, तो तुम दोनों बहुत जल्दी एक साथ घुल मिल जाओगे। अच्छा, ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ तुम कि तुम्हें अनस लगा कैसा? अम्मी, मैंने अनस को सिर्फ देखा है। ना मैंने उससे बात की है, ना मैं उसको जानती हूँ। और किसी को जाने बगैर उसके बारे में राय देना मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है बेटा कि तुम्हें अनस बहुत अच्छा लगेगा। खाना लगवाओ। ठीक है। जकिया जी, बेगम साहब, बतूल से कहो खाना लगा दे। जी अच्छा। एक बात कहूं, आप ही बहुत बहादुर। मैं? आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे बहादुर कहा है, वरना तो अक्सर मर्द औरत को कमजोर समझते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मैं ऐसे मर्द को मर्द ही नहीं समझता जो किसी औरत को मफाद के लिए इस्तेमाल करे और उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। Thank you.